राममय माहौल के बीच आपका सुंदर कांड पाठ। पत्नी संत प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को रोहिणी के हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता भी साथ है। वो आम आदमी पार्टी द्वारा कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए हैं। पार्टी राजधानी में कई जगह सुंदरकांड पाठ करा रही है। लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, भक्ति में लीन होकर गुनगुनाया श्री राम जय राम भजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और बैठकर श्री राम जय राम भजन भी सुना और गाया। पीएम मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 3रा दिन कोहिमा में राहुल गांधी ने नागालैंड के लोगों को दिया अहम संदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि छोटे राज्य से होने के बावजूद नागालैंड के लोगों को देश के अन्य लोगों के बराबर महसूस करना चाहिए। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कोहिमा के एक रैली को संबोधित करते राहुल गांधी ने कहा कि मार्च का विचार लोगों को न्याय देना और राजनीति, समाज और आर्थिक संरचना को सभी के लिए अधिक समान और सुलभ बनाना है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले योगीराज के परिवार में खुशियों की लहर, कहा भगवान के आशीर्वाद से मिला दायित्व। मैसूर स्थित अरुण योगीराज का परिवार अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा के बाद खुश है कि उनके द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के भव्य मंदिर में स्थापना के लिए चुनी गई है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को अयोध्या में कहा कि नई मूर्ति में भगवान को 5 साल के लड़के के रूप में खड़ी मुद्रा में दर्शाया गए हैं और कहा कि इसे 18 जनवरी को गर्भगृह में आसन पर रखा जाएगा। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, दिल्ली अब और बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिस वजह से कई उड़ानों में देरी भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने भीषण ठंड को लेकर चेतावनी दी है। उत्तर भारत में मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की दमदार शुरुआत, एचएस प्रणय ने चीनी ताइपे खिलाड़ी को हराया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय ने चीनी ताइपे के टियन चेन चाओ को 21-6 और 21-19 के अंतर से मात देकर दमदार शुरुआत की। टियन मुकाबले के दौरान बेहतर फॉर्म में नजर नहीं आए, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब एयरपोर्ट पर होंगे वॉर रूम, विमान में देरी और यात्रियों की सुविधा के लिए नया एसओपी जारी। दिल्ली में घने कोहरे की स्थिति के बीच एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को डाइवर्ट करने या देरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को भारी समस्या हो रही है, जिसको देखते हुए विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को निकट भविष्य में स्थिति को कम करने के लिए एयरलाइनों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सीमित दायरे में पहुंचा बाजार तो भारतीय करेंसी में आए भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले इतने पैसे गिरा रुपया। आज भारतीय करेंसी गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस गिरावट की मुख्य वजह शेयर बाजार है। दरअसल आज बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बाजार में आई इस गिरावट ने भारतीय करेंसी पर भी असर डाला है।